मैं बसपुरा से आया हूँ यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो आज जुमा था, शाम का पहला जुमा था, आज हमको यहाँ पर कॉलर सुना सुना था, लेकिन जो मीरवाइज उमर फारूक है लगातार 3.5 साल से वो अपने घर में नज़रबंद है, और लोगों का यही मुतालबा था कि अंदर उसको रिहा किया जाए ताकि उसके आवाज़ से यहाँ पर तासुर आ जाए। वो मुनाजात कॉल का बुनियादी हक था, यहाँ पर लोगों का बड़ा इज्तिमा था, क्योंकि ये लोगों श्रीनगर की सबसे बड़ा इबादत गाह है, क्योंकि हमारा यही मुतालबा है। लोग भी देखो जोश बखरोश आए हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, माँ भी आए हैं, बहनें भी आई है। हमारा यही मुतालबा है हुकूमत हिंदुस्तान की, गवर्नमेंट और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि फ़ौरन सिमीर वाइज को यहाँ पर रिहा किया जाए, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर कहीं ना सुकून है, ना मज़ा है, ना चैन है यहाँ पर, क्योंकि जो उसका ख़ानदान है फौज तबलीग, उसका ख़ानदान का सिलसिला रहा है यहाँ पर। लोगों को चैन नहीं यार, आप भी यहाँ पर हो, आप भी मीरा वाले हो। आज से पहले 1 साल यहाँ पर मनोज सिन्हा ने कहा कि बिल्कुल वो खुले हैं, वही डिसाइड करें कि वो क्या करना चाहते हैं। उसने तो डिसाइड किया था कि वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उसको गेट के बाहर भी आने नहीं दिया पुलिस ने। वहाँ पर झूठ पे झूठ वो बोले जा रहे हैं। हमारा यही मुतालबा है कि उसको रिहा किया जाए, क्योंकि लोगों को यहाँ पर न सुकून है, चैन। देखो यहाँ पर छोटे बच्चे भी आए, माँ भी आई है, बहनें भी आए। एक मुतबरक महीना है, मुसलमानों का बड़ा महीना है, उसको हमारा यही मुतालबा होगा यहाँ के गवर्नर LG मनोज सिन्हा से, उसको रिहा किया जाए। बाकी शहर श्रीनगर में खवातीन के लिए नया हेयर एंड ब्यूटी सैलून हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून नए और जदीद अंदाज में मुनासिब रेट के साथ। तशरीफ लाइए दरीश कदल चौक, SMHS लिंक रोड। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता करें 9622911183 8130019113। हम आपकी मेहमान नवाजी का मुंतजर रहेंगे, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून आपकी मेहमान नवाजी का मुंतजर रहेगा, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून।